नवरात्र चल रहे हैं, आज सप्तमी है, माँ दुर्गा के पट खुल गए हैं। हर बार नवरात्र में एक संदेश दिया जाता है, वो संदेश होता है बुराई पर अच्छाई की जीत की। पटना में एक ऐसा पंडाल बना है जो अलग तरीके से संदेश दे रहा है, वो संदेश भ्रष्टाचार के भी ऊपर है। दरअसल मैं अभी बोरिंग रोड के एक पूजा पंडाल में हूँ, जहाँ पर पूजा पंडाल में माँ दुर्गा की विशाल भव्य प्रतिमा तो है ही, साथ ही साथ एक ऐसी प्रतिमा भी बनाई गई है जिस प्रतिमा में जितने भी बिहार में एग्जाम होते हैं उनके पेपर लीक के मामलों को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये एक राक्षस की प्रतिमा है जिसमें एक हाथ में BPSC, दूसरे हाथ में इंजीनियरिंग एग्जाम और अन्य हाथों में NEET UG, SSC, स्टेट बोर्ड, बैंक, रेलवे, NEET UGC करके कई ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जो इस बात को दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से पेपर लीक का मामला लोगों के अंदर घर कर गया है और इससे किस तरीके से लोग परेशान हैं, विशेष रूप से छात्र परेशान हैं। ये एक संदेश है, एक माध्यम है ये दिखाने का कि लोग, विशेष रूप से छात्र जो हैं, वो किस तरीके से पेपर लीक के मामलों को लेकर के परेशान हैं। सुहित कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।